अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से जो कोरोना वायरस का शिकार है उनको सेहत कुल अता फरमा दे, जिलानी दस्तरखानों को बढ़ा दे, फैला दे, सजा दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट असनान मलिक और आप देख रहे हैं मलिक असनान ऑफिशियल। तो नाज़रीन, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जिलानी फ्री दस्तरखान है। तो यहाँ से चूँकि मेरा दफ्तर भी यहीं पे नज़दीक है तो मैं अक्सर यहाँ से जब भी गुज़रता हूँ तो यहाँ पे आजकल इफ्तारी के दौरान माशाल्लाह काफ़ी रश होती है और 200-300 बंदा यहाँ पे इफ्तारी कर रहा होता है। तो यही नहीं बल्कि इससे पहले जब भी मैं यहाँ से गुज़रता था, तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे रात का जो खाना भी अक्सर गरीब मसाकीन को दिया जाता है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं यहाँ जा के इन लोगों की जो ये खिदमत कर रहे हैं अवाम की, इस बारे में थोड़ी सी मालूमात ली जाए और इनके साथ इफ्तारी भी की जाए और दुआ में भी शामिल हुआ जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ इस दुआ में शामिल हों और इस इफ्तारी में शामिल हों। यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊँगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, जो मैनेजमेंट है उनसे आपकी थोड़ी बात करवाते हैं, उसके बाद दुआ में भी आप हमारे साथ शामिल होइएगा और इफ्तारी में भी। तो आइए चलते हैं जी। ये आप देख रहे होंगे, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये इफ्तारी का सामान है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी इफ्तारी यहाँ पे दी जाती है इनको। तो आइए आगे चलते हैं। आइए जी आगे आ जाइए। अभी चूँकि इफ्तारी में तकरीबन 15 से 20 मिनट बाकी हैं तो ये यहाँ पे इफ्तारी लग रही है, ये दिखाएं जी ज़रा, ये काफ़ी इफ्तारी लगी हुई है और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी तादाद में अभी से लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अभी 20-25 मिनट बाकी हैं। ये मज़ीद दस्तरखान आगे भी लग रहा है। ये इस्लामाबाद का इलाका है, गौरी टाउन फारा चौक, सॉरी गौरी टाउन कलमा चौक का ये एरिया इस्लामाबाद का। इसके अलावा रावलपिंडी में और भी काफ़ी इनके दस्तरखान हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे ये काम कर रहे हैं। ये 3 पार्टनर्स हैं, ये जो यहाँ की मैनेजमेंट है उनसे मैं आपकी बात करवाऊँगा, वो आपको इस बारे में मुकम्मल डिटेल देंगे। और अगर आपने भी यहाँ पे हिस्सा डालना है तो मैं उनका नंबर और अकाउंट नंबर भी आपको बताऊँगा। आप भी चाहे किसी भी मुल्क में है, पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, किसी शहर में है, किसी भी दूसरे मुल्क में है, तो वहाँ से आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। स्वाब का काम है, सदका जारिया है। तो आइए यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनसे बात कराते हैं। यहाँ पे ये दे इफ्तारी के बाद खाना भी दिया जाता है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खाना होता है। ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये सामने भी कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये इनके रक्षे वगैरह खड़े हैं यहाँ पे। तो आइए नाज़रीन अरशद साहब से आपकी बात करवाते हैं जो कि इनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और सर क्या हाल, खैरियत है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर माशाल्लाह ये आपका सेटअप मैंने देखा है, काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ। एक तो रमज़ान में मैं यहाँ से मैं गुजरता हूँ तो आप इफ्तारी का एहतमाम किया होता है और माशाल्लाह 200-300 लोगों का मेरा ख्याल है यहाँ पर इफ्तारी दी जाती है। इसके अलावा भी काफ़ी मेरा ख्याल 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रात को आप खाना वगैरह भी लोगों को देते हैं। तो इस बारे में आप नाज़रीन को क्या तफसीलात बताएंगे, ये किस तरह आपने शुरू किया और कैसे किया और इसके जो आनर हैं वो कौन है और कितनी तादाद में आपके पास बंदे हैं जो माशाल्लाह ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और इसके अलावा किस किस शहरों में आप ये काम कर रहे हैं? तो ये डिटेल से आप ज़रा बताइएगा। पूरी दुनिया में इस वक्त आपको देखा जा रहा है तो अपना भी कोई पैगाम भी एंड में देना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन इनकी बातों के बाद हम फिर आपको दुआओं में हमारे साथ आप शामिल हो जाइए, यहाँ पे दुआ भी होगी और उसके बाद हम इफ्तारी भी करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो ये अरशद साहब से आप डिटेल तफसील ये आपको बताएँगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरशद हुसैन मेरा नाम है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं ख़ुद इस वेलफेयर के काम से सन 2007 से वाबस्ता हूँ। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ये काम कर रहे हैं। ये जो जहाँ जहाँ का मंजर आप देख रहे हैं ये जिलानी दस्तरखान है। ये जिलानी दस्तरखान की इब्तिदा 2018 में हुई। हम 3 दोस्तों का ये पैकेज है, अल्लाह की मेहरबानी से हम 3 दोस्त में हूँ। हमारे अली साहब हैं, हमारे चेयरमैन सरपरस्त अली साहब होते हैं कराची में, और इस ज़ुल्फ़िकार साहब हैं। हम 3 दोस्तों ने मिलकर ये काम शुरू किया अल्लाह के फजल व करम से। मैं ख़ुद अरशद हुसैन जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से इस वेलफेयर काम को अभी भी देख रहा हूँ
और यहाँ जहाँ आप मौजूद हैं ये जिलानी दस्तरखान है। जिलानी दस्तरखान का ताल्लुक, इसके बारे में आपको बताऊँ कि हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी या मजहबी या तहरीकी तंजीम से नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, अल्लाह के बंदों की खिदमत, और खिदमत के मुख्तलिफ अंदाज़ हैं। यहाँ जो आप अंदाज़ देख रहे हैं ये अंदाज़ है, इस वक्त रमज़ान का मौसम है, पुरबहार अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए यहाँ पे अफ्तारी और का इंतज़ाम होता है, खाना भी खिलाया जाता है। इसका एक अच्छा तरीक़ाकार यह है, यहाँ हम किसी से पूछते नहीं हैं कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये दस्तरखान का अंदाज़ है। यहाँ जो आए वो बैठ के खाए, और अल्लाह के फजल करम से दस्तरखान भी एक अच्छे अंदाज़ में चल रहा है। और खाने का जो अंदाज़ है वो भी आपने शायद वीडियो में देखा होगा, नहीं तो आपको ये दिखाएंगे, बकरे के गोश्त का सालन होता है, और ये सालन अल्लाह के फजल व करम से पूरे साल होता है, सिर्फ रमज़ान ही में नहीं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। हमने नियत की अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह ने हमारा साथ दिया, हम तीन दोस्तों ने ही सिलसिला शुरू किया, और बकरे के गोश्त का सालन अल्लाह के बंदों को रोज़ाना खाना खिलाया जाता है, सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि पूरे साल। यानी बकरे का गोश्त जो 1200-1300 रुपये किलो है वो हर बंदा खा ही नहीं सकता, पूरे महीने में शायद बहुत से लोग एक या दो दफ़ा खाएँगे, यहाँ अल्लाह के बंदों को रोज़ाना खाना खिलाया जाता है रमज़ान के अलावा भी। तो जो मैंने जैसे उसकी आपको कि जिलानी का ताल्लुक़ किसी भी सियासी या मजहबी तहरीक या तंजीम से नहीं है, हम लोग अल्लाह की खिदमत पे के बंदों की खिदमत पे यकीन रखते हैं, और इसी खिदमत के हवाले से हम काम कर रहे हैं। इस इदारे की बुनियाद 2018 में रखी गई, मैंने जैसे आपको बताया, और हमारा मकसद अल्लाह के बंदों की खिदमत करना है। ये जो हमारे पास जो बंदे काम कर रहे हैं वो तकरीबन 14 बंदे हैं जो पे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी अल्लाह के फजल व करम से एक नेक नियति के जज्बे के तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपसे पैगाम यही है कि आप जिलानी दस्तरखान के साथ वाबस्ता हों, और वाबस्तगी का अंदाज़ ये ना हो कि जैसे यूं तो सब लोग ही कहते हैं कि हमारे पास आइए देखिए, हम अर्ज़ करते हैं कि हमें आप चाहिए। जिलानी दस्तरखान के ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं आपको ये पैगाम देता हूँ, हमसे जब भी कोई पूछता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं इस वक्त भी और हर प्लेटफॉर्म से एक ही बात कहता हूँ कि हमें आप चाहिए, आप हमारे पास आ जाइए, हमें आप चाहिए। क्या इसका वजह यह होगी कि आप जब ख़ुद अपने तौर पर यहाँ पर आएँगे, अल्लाह के बंदों की खिदमत अपने हाथ से करेंगे, इस तरह खाना खिलाकर लोगों को अफ्तारी कराकर, ये सबसे बेहतरीन अंदाज़ होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हाथ से भी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी ये थे अरशद साहब, तो अरशद साहब आप अपना नंबर भी दे दीजिएगा, अगर जो इस वक्त मेरे दोस्त भाई देख रहे हैं फॉरेन में हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है या रावलपिंडी इस्लामाबाद या किसी भी पाकिस्तान के शहर में है, अगर आप इनके साथ सपोर्ट करना चाहते हैं, इनकी हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या माली हो, तो उसके लिए आप अरशद साहब से रابطہ कर सकते हैं। ये इनका फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी इनका यही है, और इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनका बैंक अकाउंट लेना चाहें तो आप इनको कॉल करके इनका बैंक अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं। जिस्मानी तौर पर अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, इनके साथ शामिल होना चाहते हैं, तो ये गौरी टाउन का इलाका है, गौरी टाउन ये कौन सा चौक है, जी गौरी टाउन फेज़ 5 कलमा चौक इस्लामाबाद में, ये सामने बिल्कुल चौक में ये जिलानी इफ्तार फ्री दस्तरखान है, ये सारा साल यहाँ पे लगा रहता है, सिर्फ इफ्तारी रमज़ान के महीने में नहीं है। तो आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, इनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ जी, इनका नंबर है 0333-1017-797। नीचे भी पट्टी पे नंबर चल रहा होगा, लेकिन आपको एक दफ़ा फिर मैं नंबर बताता हूँ, 0333-1017-797। इसके अलावा लोकल नंबर है 0512-15-7879। तो आप इन नंबरों पर रब्ता करके इनकी किसी तरीके से भी हेल्प करना चाहें तो आप हेल्प कर सकते हैं। तो अभी कुछ देर बाद दुआ शुरू होगी, हम दुआ में शामिल होंगे, उसके बाद इफ्तारी होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ रहिएगा, और ये मेरी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे लाजमी कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो मेरी वीडियो आप तक फ़ौरन बरवक्त पहुँच सके और उसको आपको फ़ौरन मैसेज मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल हम यहाँ पे ये आप देख सकते हैं काफ़ी माशाल्लाह तादाद जू इफ्तारी का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, आवाम की तादाद बढ़ती जा रही है, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी किस्म की ये इफ्तारी दे रहे हैं। आपने मैंने आपको दिखाया है कि इफ्तारी भी अच्छी है और गोश्त भी बकरे का दिया जा रहा है। तो मेरी आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें तो नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए, अपनी आखरत सही करने के लिए आप इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी माशाल्लाह काफ़ी लोग बढ़ चुके हैं, तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بسم الله وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله अल्लाह हम तुझे एक मानते हैं, ला शरीक मानते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ए अल्लाह हम सब अपनी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को याद करके तेरी पाक बारगाह में तौबा करते हैं। ए अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम इज्तिमाई तौबा करते हैं। ए अल्लाह तुझे मुसलमानों का जमा होकर तेरी पाक बारगाह में तौबा करना पसंद है। ए अल्लाह हमने सुन रखा है जहाँ तेरे नेक बंदे होते हैं, तेरे नाम पे जमा किए हुए बंदे होते हैं, वहाँ तेरा कोई नेक बंदा होता है कि जिसकी आमीन तू कबूल करता है। ए अल्लाह इतने सारे मुसलमान तेरी पाक बारगाह में हाथों को उठाकर, सर को झुकाकर अपनी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों की तौबा करते हैं। ए अल्लाह वो गुनाह जो हमें याद हैं हम तौबा करते हैं, वो गुनाह जो हमें नहीं याद ए अल्लाह तेरी पाक बारगाह में तौबा करते हैं। ए अल्लाह तू यकीनन तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। ए अल्लाह हमने सुन रखा है अफ्ताई के वक्त में 10-10 लाख ऐसे गुनाहगारों की मगफरत होती है कि जिन पे उनके गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुका होता है। ए अल्लाह यकीनन तूने कई सारे लोग मगफरत कर दिए हैं। ए अल्लाह ये मगफरत ख़ास वक्त है, यकीनन तेरी रहमत ख़ास बरस रही है। ए अल्लाह तू गुनाहगारों की मगफरत कर रहा है। ए अल्लाह हमें नहीं मालूम कि हमारा नाम उन लोगों में शामिल किया गया है या नहीं ए अल्लाह, लेकिन हमें यह मालूम है कि तू भीख देने वाला है, हमें यह मालूम है कि तू हमें देख रहा है, हमें यह मालूम है कि तू हमारी दुआएं सुन रहा है। ए अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, ए अल्लाह तुझे तेरी फजीलत का वास्ता, ए अल्लाह तुझे तेरे रब होने का वास्ता, जितने लोगों को तूने आज तक बख्शा है उनका वास्ता। ए अल्लाह अपने फजल व करम से हमारी भी मगफरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे वालिदैन की मगफरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे बच्चों की मगफरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे जिंदों की मगफरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे मुर्दों की मगफरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे औरतों की मगफरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे मर्दों की मगफरत फरमा दे। ए अल्लाह तेरी पाक बारगाह में भिखारी बनकर, सवाली बनकर तेरी रहमत का सवाल करते हैं और तेरी पाक बारगाह में इंतहाई आर्जी के साथ अर्ज करते हैं, ए अल्लाह तू अपने फजल व करम से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने मुसलमान आए और चले गए कि जिनका खात्मा ईमान पे हुआ, जो हैं जो आएंगे, ए अल्लाह तमाम मुसलमानों की मगफरत फरमा दे। ए अल्लाह अपने फजल व करम से हमसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह हम सबों को दुनिया की आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। ए अल्लाह नज़ा के वक्त ईमान सलामत रखना। ए अल्लाह तेरी रहमत ख़ास का सवाल कर, ए अल्लाह कब्र में अपने फजल व करम से अज़ाब कब्र से बचाना। ए अल्लाह नज़ा की तकलीफ़ों के बाद हशर की महशर की हर किस्म की तकलीफ़ से बचाना। ए अल्लाह क़यामत की हर किस्म की तकलीफ़ से बचा कर अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हम सबको बिला हिसाब व किताब व अज़ाब मग़फ़िरत फरमा देना। ए अल्लाह तुझसे तेरी रहमत का ख़ास सवाल करते हैं। ए अल्लाह इतने सारे मुसलमान बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी दुआएँ होंगी, बहुत सारी तमन्नाएँ होंगी, इल्तिजाएँ होंगी। या अल्लाह सब तेरी पाक बारगाह में ख़ास वक्त में, अफ्ताई के वक्त में, दुआओं की कबूलियत के वक्त में अपनी सारी दुआओं को, तमन्नाओं को तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह इतने सारे मुसलमानों के दिलों में जो नेक जायज़ दुआ है, तमन्ना है, तू सबों के दिलों के हालों को जानता है। या अल्लाह सबों की सारी जायज़ दुआएँ, जायज़ तमन्नाएँ, जायज़ इल्तिजाएँ पूरी फरमा दे। या अल्लाह जिलानी दस्तरखानों के बिछाने में बहुत सारे लोगों ने तआवुन किया करते हैं, अल्लाह जित बहुत सारे लोग बहुत सी दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह तू सबों के दिलों के हालों को जानता है। अल्लाह जिसने जिस जायज़ दुआ से तआवुन किया, जायज़ नियत से तआवुन किया, अल्लाह सबों की सारी जायज़ दुआओं को, जायज़ नियतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह सबको दुनिया की आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। अल्लाह सबको रहमतें, बरकतें, अजमतें, बुलंदियाँ अता फरमा। सबको आफियत अता फरमा। अल्लाह सारे बीमारों को अच्छा कर
दें, अल्लाह सारे बीमारों को अच्छा कर दें, अल्लाह आलम इस्लाम से कोरोना वायरस को भगा दे, अल्लाह अगर कोई बीमार यहाँ बैठा है तो उसको शिफा अता फरमा दे, अल्लाह अपने फजल व करम से अपनी रहमत से जो कोरोना वायरस का शिकार है उनको सेहत कुल्ली अता फरमा दे, जिलानी दस्तरखानों को बढ़ा दे, फैला दे, सजा दे, मददगार अता फरमा दे, अपने फजल से मददगारों की मदद फरमा दे, जो मांग सके अता फरमा दे, न मांग सके हमारे हक बेहतर है बिन मांगे अता फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन बिजाह हिंद नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, तो नाज़रीन देखा आपने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इफ्तारी हुई है। तो मेरी आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि ये जिलानी इफ्तार फ्री दस्तरखान है, यहाँ पे भी है, गुजारे कायद में भी है, पिंडी के काफ़ी शहरों में है और बहुत सारे इस्लामाबाद में भी है। तो इनकी जितनी भी हेल्प हो सके आप हेल्प करें, यह सदका जारिया है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपनी आखिरत के लिए इनकी हेल्प करें, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो माली हो। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, एक दफ़ा फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके आल पे लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिलता रहे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।